अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। दोस्तों, 13 कबल मसीह में सयाम कहलाने जाने वाला ये मुल्क आज पूरी दुनिया में थाईलैंड कहलाया जाता है। जी हाँ, और तारीख़ में यह मुल्क कभी किसी दूसरे मुल्क का ग़ुलाम नहीं बना। इस मुल्क का पूरा नाम है द किंगडम ऑफ थाईलैंड। मैं कोशिश करूंगा आज आपको द किंगडम ऑफ थाईलैंड की तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में दे सकूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और इस चैनल एक्सप्लोर विद वकास को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये मुल्क थाईलैंड, जिसमें आबादी की शुरुआत तकरीबन 1238 कबल मसीह में हुई, 20वीं सदी में इस मुल्क में फ़ौजी हुकूमत भी कायम हुई और बादशाहों का सिक्का भी चलता रहा। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान भी किया था, जबकि वर्ल्ड वार दोयम में ये मुल्क बिल्कुल साइड में रहा। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरबा किलोमीटर है और अपने रकबे के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 7,18,1279 अफराद है। आबादी के लिहाज से यह मुल्क पूरी दुनिया में 20वें नंबर पर आता है। थाईलैंड के टोटल 24 शहर हैं, जिसमें सबसे बड़ा शहर बैंकॉक है और इसी मुल्क को इस मुल्क का कैपिटल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। पूरी दुनिया से लोग इस कंट्री को विज़िट करने आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क की नाइट लाइफ और बेशुमार कुदरती वसाइल हैं। बुद्ध मत इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है। इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन की 93% लोग इस मज़हब के मानने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा मज़हब यहाँ इस्लाम है, जो कि टोटल आबादी का 5% है। ₹1.2% लोग क्रिश्चियन भी यहाँ बसते हैं, जबकि हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग भी थोड़ी थोड़ी तादाद में यहाँ बसते हैं। हलाल फूड यहाँ पर आसानी मिल जाता है, जबकि थाई खाने पूरी दुनिया में फेमस है। एजुकेशन की शरह इस मुल्क में 93.5% है। इस मुल्क की करेंसी को भत कहा जाता है। यहाँ का एक भत पाकिस्तानी 8.33 रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन 2.40 रुपये के बराबर होता है।
$66 इस मुल्क का कंट्री कोड, जबकि .th इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं, जंगलात, खूबसूरत साहिलों और आबशार के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेपनाह खूबसूरती अता कर रखी है। शहरों की रंगीनियों में खोने से लेकर तन तन्हाई में रहने के लिए हर वो मौसम और इलाका इस मुल्क में मौजूद है जो हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है। दोस्तों, ये थी थाईलैंड पर बनी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।